ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से शिवम गौर जी वकालत कर रहे हैं, मेरे साथ शिवम भाई हैं। शिवम भाई, आज कोर्ट में क्या होना है? देखिए, आज आर्गुमेंट की जाएगी। जो एडवोकेट कमिश्नर को हटाने की बात की गई है कि वो पक्षपात कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, उस पर आर्गुमेंट की जाएगी। एडवोकेट कमिश्नर को तलब किया गया है। हम अपने आर्गुमेंट पूरी क्लियर करेंगे कोर्ट के सामने कि दिस इज़ नॉट द फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ एडवोकेट कमिश्नर। एडवोकेट कमिश्नर का फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट है डिफेंडेंट नंबर 4 के ऊपर, अंजुमन इंतजामिया के ऊपर। ये फॉल्ट है शासन प्रशासन के ऊपर। शासन प्रशासन हमें चाबी मुहैया नहीं करा पाता है। अंजुमन इंतजामिया जो है वो बार बार अवरोध उत्पन्न करने के लिए बात का पतंगड़ बना रही है। वो कहती है ये प्लाट नंबर 9130 है कि नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। यदि वह प्लाट नंबर 9130 नहीं है, प्लाट नंबर 9130 नहीं है, तो वाद क्या रह जाता है? वाद ही क्या रह गया अगर वो प्लाट नंबर 9130 नहीं है? जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोहर लगा दिया, उसके बाद में भी यही सब चल रहा है। कल बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, वकीलों ने भी फ़ोन पर ये कंफर्म किया कि 5 में से 1 राखी सिंह अपना मुकदमा वापस ले रही है, लेकिन 4 बनी रहेंगी महिलाएं। क्या इसमें सच्चाई? देखिए सर, मैं इस केस को डेली बेसिस पर ट्रायल को डील कर रहा हूँ, लीड कर रहा हूँ। मेरे को ना निर्देश दिए गए थे राखी सिंह के लिए कि राखी सिंह का वाद वापस होगा, ना मुझे अब तक दिए गए। मेरे पास क्लियर इंस्ट्रक्शन है संगठन की तरफ से, राखी सिंह की तरफ से, कि आप केस को कंटेस्ट कीजिए, आर्गूमेंट कीजिए, एडवोकेट कमीशन पूरी कराइए, कोई केस वापस नहीं होगा। 5 की 5 महिलाएं जो हैं वो वादी बनी रहेंगी, केस ऐसे कैसे चलेगा? अच्छा, अगर मान लीजिए आज कोर्ट कमिश्नर बदला जाता है या नहीं बदला जाता है, तो दोनों कंडीशंस में क्या हो? देखिए, एडवोकेट कमिश्नर बदला जाए ना बदला जाए, पहले तो बदलने का कोई ग्राउंड नहीं है। बेसलेस ग्राउंड को प्रकाश में लाने का प्रयास किया गया है। और यदि बदला भी जाता है तो एडवोकेट कमीशन की जो डायरेक्शंस हैं वो वैसे के वैसे ही पूरी की जाएंगी। प्लाट नंबर 9130 में पूरे की पूरे सर्वेक्षण किया जाएगा, वीडियोग्राफी की जाएगी, उसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी और न्यायालय में सौंपी जाएगी, और वो एक साक्ष्य के तौर पर मुकदमे को लीड करेगी। अच्छा, कोर्ट ने क्या इससे पहले जब आदेश दिया था तो मस्जिद के अंदर जाने की अनुमति दी थी? दी थी, बिल्कुल दी थी। वेरीगेटिंग है, 26 अप्रैल के आदेश में क्लियरली स्पष्ट किया गया रेड जोन में अंदर जाने की अनुमति है, एडवोकेट कमीशन पूरी करके रिपोर्ट सौंपे। जी अच्छा, एक सवाल ये बनता है कि अगर मान लीजिए आज सुनवाई हो गई और फैसला जो कोर्ट को दे रहा है कि एडवोकेट कमिश्नर बदले ना बदले, लेकिन कल जो रिपोर्ट देनी थी, क्या कल फिर से सुनवाई होगी? देखिए, कल रिपोर्ट पेश नहीं हो पाएगी। आज समय दिया जाएगा एडवोकेट कमिश्नर को कि अपने समय से इसको पूरा करके जल्द से जल्द एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी जाए। मतलब तारीख भी आज ही तय हो जाए? जी, आज तय कराए। सर्वे कब होना है ये तारीख आज तय? जी 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 जी। ये वकील साहब को सुन रहे थे जिन्होंने ये कहा कि आज ये भी तय हो जाएगा कि कोर्ट कमिश्नर कौन रहेगा और ये भी तय हो जाएगा कि सर्वे की तारीख क्या होगी। हालांकि वकील एक बड़ा दावा कर रहे हैं कि 5 की 5 महिला वादी बनी रहेंगी, उन्हें अब तक ये की जानकारी नहीं दी गई है कि राखी सिंह अपना मुकदमा वापस ले रही है। कैमरा पर्सन विजेंद्र के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, वाराणसी।